हरिद्वार जिला पंचायत 45% का कमीशन जो पहले दिन ठेकेदार से लेते हैं उसका ये नतीजा है। ये लोकतंत्र है, राजा गए रजवाड़े गए, इतिहास उनके दीवारों पे टंग गए। विकास नाम क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन विकास पर भारी कमीशन खोरी। कमीशन आपने अपनी विधानसभा का दौरा किया है, उसमें आपने जिला पंचायत के कामों को लेकर कुछ कहा है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स ऐसे नहीं लगती, उसमें आपने गड़बड़ियां देखी हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, जिला पंचायत में लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही थी कि 45% कमीशन लिया जा रहा है और उसके अलावा और कमीशन अधिकारी भी लेते हैं। मेरे क्षेत्र के भी काफ़ी सारे लोग मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि साहब हम तो काम नहीं करेंगे, जिला पंचायत का 45% कमीशन पहले दिन मांगा जा रहा है। जिला पंचायत के जो लोग अध्यक्ष बनते हैं या जो जिला पंचायत की लड़ाई होती है वो होती यही है, क्योंकि 200 करोड़ का जो बजट है उसे खाया कैसे जाएगा, उसको खाने की लड़ाई होती है। हरिद्वार जनपद सबसे बड़ी जिला पंचायत है और सबसे ज़्यादा पैसा इस जिला पंचायत के पास आता है। आप सुनते होंगे कि वो 1 करोड़ में बिक गया, कोई 50 लाख में बिक गया, कोई 70 लाख में, तो सच्चाई ये है हरिद्वार जनपद को इन लोगों ने खोखला कर दिया, हरिद्वार जनपद को ये लोग बेचकर खा गए। और आज भी एक चोर को ढूंढोगे 100 चोर उसके पीछे आपको कतार लगाए खड़े मिल जाएंगे। ये भ्रष्टाचार का सिस्टम ख़त्म करना होगा, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा, एक आम आदमी का पैसा, हमारा पैसा है। आप मिट्टी के ऊपर रेता डालकर सड़कें बिछा रहे हैं इंटरलॉकिंग की, ये सड़कें चलेंगी? आप डामर की सड़कें बना रहे हैं, आप सफाई नहीं कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर सड़कें डाल रहे हैं, मतलब क्या है? इस साल का बजट खा जाओ, फिर अगले साल दोबारा इन्हीं सड़कों को बना दो। आज गांव देहात में जाओ, आप खादर में जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप देखो स्थिति क्या है। सड़कें नहीं हैं, नाले नहीं हैं, अच्छे स्कूल नहीं हैं, पूरा सिस्टम ख़त्म हो चुका है इस हरिद्वार जनपद का। मुझे बड़ा दुख होता है देखकर कि किस तरह यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है, उन लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, उन लोगों को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। एक आम आदमी का जो अधिकार उसे मिलना चाहिए, जो हक उसे मिलना चाहिए, जो सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए, उनसे वंचित कर दिया चोरों ने। PWD के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं अपने क्षेत्र का जानता हूँ, मेरी खानपुर विधानसभा में आप कोई भी ईंट उखाड़ कर देख लीजिए, मेरी खानपुर विधानसभा में कोई भी आप इंटरलॉकिंग उखाड़ कर देख लीजिए, मेरी खानपुर विधानसभा में आप किसी नाले का, मैंने कल ही रायसी में जो नाला बन रहा है कुड़ी भगवानपुर से, मैंने उसका काम रुकवा दिया और पेनल्टी लगाने के लिए बोला ठेकेदार के ऊपर। मेरे क्षेत्र में आप काम करोगे, मैं आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मैं अपनी जानता हूँ, खानपुर विधानसभा की जानता हूँ, जहाँ के लोगों ने मुझे चुना और मुझे जिम्मेदारी दी है। और जिस दिन ये जिम्मेदारी आगे बढ़ेगी, बड़ी मिलेगी, उस दिन हम हरिद्वार की भी बात करेंगे। लेकिन आज भी फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जहां जिसको मेरी ज़रूरत है मैं उसका काम पूरा कर सकूं। फेसबुक वॉर चल रहा है, नाम बदलने जा रहे हैं, रानी दिव्यानी ने दिव्यानी बिष्ट अपना नाम रख लिया है, कुंवर जी ने भी अपना नाम बदल दिया, राजा रख लिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र है जी। राजा गए रजवाड़े गए जी। इतिहास उनके दीवारों पर टंग गए जी। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए, शोभा नहीं देता। मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, कौन राजा, कैसा राजा, किस बात का राजा, कौन राजा मानता है आपको? चार चंद आपके चाटुकार जी। राजा जी जिंदाबाद, राजा लंढोरा जिंदाबाद। भाई ऐसा है, आम आदमी से पूछो आपको राजा मानता है नहीं मानता। राजा आदमी अपने को राजा कहलाने से नहीं होता, राजा आदमी लोगों के दिलों को जीतने से होता है। लोगों के ताल गए हुए हैं और वो टीका टिप्पणी अपने फेसबुक पर लिख रहे हैं आपके बारे में, क्या कहना? मैंने उनके बारे में सोचना और समझना और देखना और बोलना छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन पूरे तरीके से खो चुका है, क्योंकि वो कभी कहते हैं मैं हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ, वो कभी कह वो मंदिर में कभी दंड बैठक लगाते मिलेंगे, कभी वो कहेंगे टिकोला के लोगों ने हमें बूथ कैप्चर करके जिताया था। तो जिस व्यक्ति को अब सामाजिक मर्यादा और में रहना भूल चुका हो, जिसे यही नहीं पता कहाँ क्या बोलना है, अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी मीडिया के साथियों से भी और अपने समर्थकों से, सहयोगियों से, कि इनके बारे में बोलना छोड़ दीजिए। अब ये इतिहास हो गए हैं, इनको उस इतिहास से बाहर आने में बहुत समय लगेगा, तो इसलिए फिलहाल वर्तमान की बात करें, जनता की बात करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुटकी भर। आपको बता दूं कि जो विकास है ना, विकास नाम क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन विकास पर भारी कमीशनखोरी।
कमीशनखोरी किस लिए बोल रहा हूं मैं आपको बता दूं कि उमेश कुमार जो खानपुर से विधायक है वो अपने क्षेत्र में पहुंचे थे कुड़ी भगवानपुर और उन्होंने वहां की जो सड़कें बनाई गई हैं इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई गई हैं जिला पंचायत द्वारा उनको देखकर वो हैरान रह गए क्योंकि वहां की जो जनता थी उनके साथ मौजूद थी और उन्होंने ही ये कहा कि ये तो साहब हाथ से ही उखड़ रही हैं ये चलेंगे कैसे। अब विकास किसे कहते हैं मैंने पहले भी आपको कहा कि ये कितने दिन चलेगा विकास, विकास तो शायद कहीं भाग गया है कहीं उड़ गया है तो कैसे होगा। अगर विकास इसे ही कहते हैं तो पिछली सरकारों में भी ऐसा ही होता रहा तो ये न सरकार कौन सा नया काम कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी जी कहते हैं कि हम और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर विकास देखने को नहीं मिल रहा है और विकास हो रहा है तो आपके सामने है विकास कैसे हो रहा है। अब उमेश कुमार जी कहते हैं जब आप 40-50% कमीशनखोरी रखेंगे तो विकास तो अपने आप ही वहाँ से भाग जाएगा। अब आप ही सोचिए ये जनता के पैसों का दुरुपयोग है या फिर अपने कमीशन का जो जेब का जेब की गर्मी है वो है। अब कौन इसमें कितना कमीशन खा रहा है। जिला पंचायत में पहले भी काम होते रहे हैं, जिला पंचायत में आपको बता दूं सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य को लेकर वहाँ पर जो पैसे हैं वो आते हैं जो आवंटन है वो होता है लगभग 200 करोड़ रुपए वहाँ पर आते हैं लेकिन 200 करोड़ रुपए आपको भी पता है कैसे कहाँ चले जाते हैं क्योंकि जिला पंचायत में जो सदस्य हैं वो भी खरीदे जाते हैं। ये भी उन्होंने अपनी जो वीडियो है उसमें कहा है, आप आगे वीडियो देखेंगे कि कैसे कमीशनखोरी जिला पंचायत पर भारी है। ये कुड़ी भगवानपुर में हम खड़े हैं और एक ये इंटरलॉकिंग की सड़क बनाई गई है। हरिद्वार जिला पंचायत 45% का कमीशन जो पहले दिन ठेकेदार से लेते हैं उसका ये नतीजा है। भ्रष्टाचार इन रगों में जम चुका है, बिना चोरी चकारी के काम नहीं करते। काम करने का नतीजा मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है। जरा निकालो जी, दिखाओ जरा क्या है ये। ये और नीचे दिखाओ जी, ये हटा के दिखाओ इंटर। ये कोई भी यहाँ ना तो आरसीसी हुई है और मिट्टी डाल के रेता डाल के अब ये निकालो जरा, एक निकाल के दिखाओ जी। तो ये ला भाई ना दिखा दिखा निकाल लेते। अभी इधर ला के ये देखो सर, ये है जिला पंचायत के 45% के कमीशन का कमाल। अगर बोलोगे तो ये कहेंगे साहब आप इनकी खिलाफत करते हो। सरकार का पैसा कमीशन खोरी और बंदर पाट ये होती है। फिर कहेंगे साहब विधायक सरकार के खिलाफ बोलता है, विधायक जिला पंचायत के खिलाफ बोलता है, इसको इसका बहिष्कार करो। ये है चोरों की हालत और शर्म अगर चोरों को आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर देखें और एहसास करें कि जनता के पैसे पर चोरी चकारी करने का नतीजा ये होता है। फिर कहते हैं सड़क 5 महीने नहीं चलती, चलेगी कहाँ से। 40-50% कमीशन आप खाओगे फिर आपके अधिकारी खाएंगे। ये हालत है जिला पंचायत हरिद्वार के काम की। जिला पंचायत अध्यक्ष जी एक बार देख लीजिएगा आपकी जिला पंचायत में हो क्या रहा है, फिर आप कहोगे विधायक जो है निर्दलीय है उसका तो काम विरोध करना है। मेरा काम विरोध करना है ये सच्चाई है, लेकिन विरोध ऐसे कामों का करता हूँ मैं जो आम आदमी के पैसे को लूट के खाने का लोग काम करते हैं। 45% कमीशन चल रहा है या नहीं चल रहा जिला पंचायत में ये आपका दिल भी जानता है और आपके अधिकारी भी जानते हैं। ये आपके 45% कमीशन का कमाल है।